अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में 15,000 से 25,000 रुपए के दरमियान की प्राइस टैग के ऊपर जितने भी गेमिंग स्मार्टफोन आते हैं उन सब की लिस्ट को शेयर करने वाला हूं। और आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में पबजी ग्राफिक्स को भी शेयर करूंगा, साथ में पबजी का गेम प्ले भी शेयर करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट है अगर आपका बजट 15,000 से 25,000 के दरमियान का हो। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक्स का रखा है, उम्मीद है लाइक टारगेट पूरा कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। यहाँ पे दोस्तों, लिस्ट के पहले नंबर पे जो स्मार्टफोन मैंने शामिल करा है वो एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है और यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रियलमी C11 की। अब मोबाइल फ़ोन का एक ही वेरिएंट आता है 2GB 32GB का और इसकी ऑफिशियल प्राइस जो है वो 17,000 की है और लोकल मार्केट के अंदर आपको तकरीबन 1.5 से 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आई थिंक 15,000 के हिसाब से ये मोबाइल फ़ोन गेमिंग के अंदर आपको काफ़ी तक अच्छी वैल्यू दे सकता है। इस मोबाइल फ़ोन का गेम प्ले वगैरह देखते हैं, लेकिन अगर बाकी की स्पेसिफिकेशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी की स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी तक इंटरेस्टिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूँगा इस पेज का, आप जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर चेकआउट कर लेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पबजी ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको स्मूथ के ऊपर मीडियम तक का ऑप्शन मिल रहा है और बैलेंस के ऊपर भी मीडियम मिल रहा है। HD सपोर्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पे G35 का प्रोसेसर है, मीडियाटेक G35 का, और ये प्रोसेसर बेसिकली एंट्री लेवल का गेमिंग स्मार्टफोन प्रोसेसर है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेमिंग परफॉर्मेंस तो प्रोवाइड नहीं करता, बट स्टिल प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी तक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों, चल के देख लेते हैं रियलमी C11 का गेम प्ले। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट के दूसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन मैंने शामिल करा है वो है टेक्नो स्पार्क 6। अब ये स्मार्टफोन भी बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन है और 20,000 की रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका फिलहाल एक ही वेरिएंट आता है 4GB 64GB का और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी तकरीबन आपको 1,500 तक का लोकल मार्केट में डिस्काउंट मिल जाएगा और आई थिंक अपनी प्राइस रेंज के ऊपर ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी तक आपको इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। खास तौर पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको G70 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है और साथ में 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। यहाँ पे पबजी ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपको स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा तक की ग्राफिक सेटिंग मिलती है और बैलेंस पे भी अल्ट्रा मिलती है और HD के ऊपर भी हाई तक का ऑप्शन मिलता है। HDR डेफिनेटली यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे G70 का प्रोसेसर है और यहाँ पे वैसे देखा जाए तो आई थिंक स्पार्क 6 जो है वो आपको 20,000 की रेंज के अंदर काफ़ी हद तक अच्छी वैल्यू दे सकता है गेमिंग की साइड पर। और यहाँ पर दोस्तों, इसका गेम प्ले चेकआउट कर लेते हैं। Reloading.
इसके अलावा दोस्तों लिस्ट के तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है इन्फिनिक्स हॉट 10। अब इस मोबाइल फ़ोन के तीन वेरिएंट्स आपको लोकल मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, 4 GB 64 GB का, 4 GB 128 GB का और 6 GB 128 GB का। अब यहाँ पे जो आपको प्राइसिंग नज़र आ रही है 25,000, 23,000 और 20,000, ये ऑफिशियल प्राइस है। और लोकल मार्केट के अंदर आपको आराम से 2,000 तक का इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है। और आई थिंक अगर प्राइस रेंज के ऊपर देखा जाए तो ये स्मार्टफोन काफ़ी तक अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको G70 का प्रोसेसर मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे भी बैटरी जो है वो 5000 mAh की मिलती है। पबजी ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा, बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा और HD के ऊपर हाई तक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे HDR सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी G70 का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे जायरोस्कोप प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट थोड़ा सा डिले है इसमें, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मूथ वर्किंग नहीं कर रहा। और इसके पीछे मे बी रीज़न ये है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिस्ट के चौथे नंबर पे जो स्मार्टफोन मैंने शामिल करा है वो है इन्फिनिक्स नोट 7। अब ये मोबाइल फ़ोन भी तीन वेरिएंट्स के अंदर आता है लोकल मार्केट के अंदर, 4 64, 4 128 और 6 128 का। अब डिस्काउंट की बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन आपको लोकल मार्केट के अंदर तकरीबन 3,000 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑफिशियल प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी, लेकिन जब आप डिस्काउंट के बाद ये मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक कम प्राइस पर मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको मीडियाटेक G70 का प्रोसेसर मिलता है, बट एडिशनली यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलती है। और यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप भी प्रोवाइड किया गया है। पबजी ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिलता है, बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा मिलता है और HD के ऊपर हाई तक का ऑप्शन मिलता है। HDR यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जायरोस्कोप वर्क कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है। खैर मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं जायरोस्कोप का प्लेयर नहीं हूँ, माजरत के साथ। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट के पांचवें नंबर पे जो स्मार्टफोन मैंने शामिल करा है वो है टेक्नो पोवा। अब ये मोबाइल फ़ोन मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट का किलर स्मार्टफोन है। और यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मोबाइल फ़ोन का फिलहाल के लिए एक ही वेरियंट आता है 6 GB 128 GB का, और इसकी ऑफिशियल प्राइस जो है वो 24,500 की है, लेकिन लोकल मार्केट के अंदर आपको ये मोबाइल फ़ोन आराम से 22,500 तक का मिल जाएगा। और यहाँ पे भी देखा जाए तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है 6000 mAh की बैटरी, क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन के लिए बैटरी का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बैकअप टाइम अगर अच्छा ना हो तो यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। और यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे मीडियाटेक G80 का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, और प्रोसेसर भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, फास्ट चार्जिंग भी है। तो ये मोबाइल फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर इस मोबाइल फ़ोन को मैं प्राइस टैग के ऊपर रह के देखूँ। यहाँ पे दोस्तों पबजी ग्राफिक्स की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे भी आपको स्मूथ के ऊपर अल्ट्रा मिल रहा है, बैलेंस के ऊपर अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिल रहा है और HD के ऊपर हाई तक का ऑप्शन मिल रहा है।
SDR यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, और यहाँ पे भी चल के इसका गेम प्ले देख लेते हैं। तो दोस्तों आपने सारे स्मार्टफोन के पबजी ग्राफिक्स देखे, साथ में पबजी के गेम प्ले देखे। अब यहाँ पे वीडियो एंड करने से पहले और आप लोगों को कंक्लूजन देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी स्मार्टफोन से रिलेटेड पबजी की ग्राफिक्स देखने हो या फिर कोई भी स्पेसिफिकेशन, प्राइजेस, लॉन्च डेट वगैरह देखनी हो तो आप phoneboy.com को विजिट कर लेगा। उसके ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्मार्टफोन से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ज़रूर चेकआउट कर लेगा। और जहाँ तक बात रही कि आज की लिस्ट में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर डील है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 15,000 के आसपास का है तो Realme C11 से बेहतर स्मार्टफोन आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, खासतौर पे पबजी के लिए। अब Realme C11 के ऊपर पबजी बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी जो प्राइस रेंज है उसके अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन दूसरी कंपनीज के आते हैं उसके आगे रख के देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा चल जाता है। इसके अलावा अगर फर्दर देखा जाए तो 20,000 की रेंज के अंदर आप लोगों के पास टेक्नो स्पार्क 6 का ऑप्शन मौजूद है, और अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा ज्यादा है 23,000 तक का है तो आई थिंक टेक्नो पोवा से बेहतर स्मार्टफोन आप लोगों के लिए कोई भी मौजूद नहीं है करंट मार्केट के अंदर। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक टारगेट जरूर पूरा कर देगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।